आप तो एक औरत है मैम, आपको तो हमदर्दी होनी चाहिए मेरी आई से। और मैं ये नहीं कह रही कि मेरी आई से हमदर्दी रखने के लिए आपको इशिका से नफरत करनी होगी, क्योंकि मेरे आई बाबा का रिश्ता तोड़ने का जिम्मेदार मैं इसे नहीं मानती। मेरे बाबा की जिम्मेदारी थी कि वो उस रिश्ते में ईमानदार रहे, उन्हें याद रखना था कि वो शादीशुदा है, इन्हें नहीं। इसलिए इस बात के लिए कभी मैंने इन्हें अनाप शनाप नहीं कहा। यही है जो एक मौका नहीं छोड़ती मेरी आई को तकलीफ देने का। और आपको क्या लगता है मैं या हर्षा आपको अनाप शनाप सुना नहीं सकते? बहुत सुना सकते मैम, लेकिन नहीं कहेंगे कुछ, क्योंकि मेरी आई ने वो सीख नहीं दिए मुझे। यहां से भी चुपचाप जा रही थी वो, ये बोल के कि मैं किसी और को मौका देना चाहती हूं। ये मिसाल है मेरी आई की। दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है मेरी आई, कहां समझेंगे। आज गुड़ी पड़वा है ना, एक नया साल शुरू होगा। नए साल से हम एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं ना, एक नई पहल कर सकते हैं कि एक दूसरे के हमदर्द बनेंगे, एक दूसरे की खामियों को नहीं एक दूसरे की खूबियों को पहचानेंगे। चॉइस हमारी है, हम चाहे तो अभी भी इन दकियानुसी सोच पर अमल कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि हमारे परिवार में किसी के साथ ऐसा हो, तब हम सीखें। नहीं नहीं, हम सब एक परिवार हैं। हम में से कोई भी किसी भी औरत की बेइज्जती नहीं सहन करेगा। हाँ अम्मा, हम सब भूल गए थे, हम सब तो एक है ना, एक ही माँ का स्वरूप है, तो हमें एक दूसरे की बेइज्जती करके खुशी कैसे हो सकती है। करना भवानी, आज के दिन तेरा दिल दुखाया हमने, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? मुझे भी माफ कर भवानी, खूब त्रासदी लग रहा है। हर्षा तो क्या बोलता है, ठीक है भवानी। अरे भवानी, भवानी, अरे क्या कर रहे हैं भवानी, 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 अरे भवानी, 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 दर वर्षी प्रमाणे ना इस साल भी गुड़ी तू ही सजाएगी। हाँ। हाँ। तब जाके हमको माफी मिलेगी, है ना? देखा बबीता जी, कितनी शातिर है ये लड़की, अपने शब्दों के जाल में बाकी औरतों को फंसा के हमारे खिलाफ करती है।